दोस्तों टाइम नोट कर लीजिएगा, 12 अगस्त की रात आसमान में आपको अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। एक साथ ढेरों टूटते हुए तारे दिखेंगे, धरती पर कई सारे उल्काएं गिरेगी। नासा के वैज्ञानिकों समेत दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से ये घोषणा की गई है। 12 अगस्त की रात में शाम से ही यह नजारा शुरू हो जाएगा, लेकिन रात में एक ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आपको यह नजारा बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा। यूं लगेगा मानो आसमान से तारों की बारिश हो रही हो। 12 अगस्त की रात में ठीक कितने बजे आपको छत पर चले जाना ये अनोखा नजारा देखने के लिए, टाइम नोट करके जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको समय बताऊंगा, क्योंकि ये अनोखी घटना जिंदगी में आपको हो सकता है दूसरी बार देखने ना मिले, और इसीलिए अद्भुत खगोलीय घटना को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं तो खुद भी देखने वाला हूँ, आप भी जरूर देखिएगा। बहुत ही चमकीला और अद्भुत नजारा आपको आसमान में दिखेगा। लेकिन सिर्फ 12 अगस्त को ही नहीं दोस्तों इस महीने, बल्कि और भी कई सारी खगोलीय घटनाएं इस महीने में स्पेशल होने जा रही है। आपको पता होगा इससे पहले 2 अगस्त को भी सुपर मून यानी कि फुल मून दिखा था, राइट? ठीक वैसा ही फुल मून आपको इस महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 अगस्त को भी चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल नजदीक होने के चलते दुनिया वालों को सबसे चमकीला और सबसे बड़े आकार का चंद्रमा सुपर मून के रूप में दिखेगा। इससे पहले 1-2 अगस्त के बीच की रात को दुनिया ने सुपर मून देखा था। ये ऐसे दोस्तों कई दुर्लभ खगोलीय घटनाएं होती जो सालों में सदियों में एक ही बार देखने को मिलती है, और इसलिए कई देशों में तो इसे एक इवेंट की तरह देखा जाता है। अच्छा, 31 अगस्त से पहले 27 अगस्त की रात भी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि शनि ग्रह के जो छल्ले है ना, वो छल्ले भी आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये एक ऐसा दृश्य होता है जो मोहित और मंत्रमुग्ध करने में भी असफल नहीं होता है। यानी शनि ग्रह के आसपास के रिंग को आप खुले आसमान में महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे 27 अगस्त की रात को, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 18 अगस्त को नो शैडो डे मनाया जाएगा। नो शैडो डे का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इस दिन परछाई नहीं दिखेगी। हालांकि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो परछाई तो दिखेगी, लेकिन एक्चुअली होता है कि 18 अगस्त को सूरज धरती के ठीक ऊपर होगा, और इस दौरान कई देशों में लोग किसी भी चीज की परछाई नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परछाई बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इस वजह से हमारी परछाई इधर उधर ना दिखकर बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे बनती है, और यही वजह है कि हमें 18 तारीख को इस महीने परछाई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो 3 तारीख तो ये नोट कर लीजिएगा, 18 तारीख को नो शैडो डे, 27 अगस्त की रात को शनि ग्रह के छल्ले दिखेंगे, और 31 अगस्त की रात को फुल मून, ब्लू मून या सुपर मून दिखाई देगा। और इससे पहले 12 अगस्त की रात को आप आसमान में टूटते हुए तारे और उल्कापिंड गिरते हुए देख पाएंगे अपनी आंखों से, खुली आंखों से। जी हाँ, लिटरली आपको कोई टेलीस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप अपनी केवल और केवल खुली आंखों से अनोखा नजारा देख पाएंगे 12 अगस्त की रात में। 2 बजे बाद आपको यह नजारा सबसे ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि 11-12 अगस्त की रात में भी मिडनाइट में आप इस नजारे को पीक लेवल पर देख पाएंगे। वैसे तो वैज्ञानिकों का कहना कि ये 17 जुलाई से एक्टिव है और 1 सितंबर तक चलेगा, लेकिन अभी 11-12-13 अगस्त की जो बीच की रातें होंगी ना, इनमें आपको मीटियोरॉइड्स, उल्कापिंड गिरते हुए और तारे टूटते हुए सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के, है ना। तो इस अद्भुत नजारे को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और भी आपका क्या कहना कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।